नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। एक्सप्रेसवे के साथ बनेगा आजादी का अमृत पार्क। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान बाईपास किनारे लगे हजारों पेड़ों को काट दिया गया था, उसकी भरपाई अब 26 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट विकसित करके की जाएगी। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। FMDA यहां ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा। इसका नाम आजादी का अमृत पार्क होगा। शहर में विकसित होने वाली यह सबसे लंबी ग्रीन बेल्ट होगी। इस बाबत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट टेकओवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अनुमति मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। अमृत पार्क को खास तौर पर तैयार किया जाएगा। यहाँ हजारों पौधे रोपे जाएंगे, बीच में पार्क विकसित होगा, साइडों में बेंच लगाई जाएंगी, लोगों को सैर करने के लिए ट्रैक बनेगा, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत CCTV कैमरा भी लगेंगे। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले और शहरवासियों को ग्रीन बेल्ट विकसित होने के बाद सुखद एहसास होगा। 16 सेक्टरों के लोगों को मिलेगा लाभ। ग्रीन बेल्ट से लगते हुए HSVP के 16 सेक्टर हैं। यहाँ रहने वाले हजारों लोगों को ग्रीन बेल्ट विकसित होने से लाभ होगा। पौधारोपण होने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि वे ग्रीन बेल्ट का लाभ भी उठा सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर दौड़ने वाले वाहनों के धूल धुएं को ग्रीन बेल्ट के पेड़ पौधे सेक्टर में जाने से रोकेंगे। आजादी का अमृत पार्क के नाम से पूरी ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। अनुमति मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ हरे भरे पेड़ के अलावा बच्चों बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके मनोरंजन व सैर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कहा कि FMDA ने जब बाईपास पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया और पेड़ों को काटा, तब हमने इसका प्रमुखता से विरोध किया था, क्योंकि सेक्टर 37 से 59 तक 26 किलोमीटर बाईपास के ग्रीन बेल्ट से लगते हुए 16 सेक्टर हैं, जहां हजारों परिवार बसे हुए हैं। अहम बात यह है कि बाईपास के दूसरी ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अपनी जमीन है, इस पर काफी अवैध निर्माण है। इन्हें हटाने की बजाय प्राधिकरण ने पूरी ग्रीन बेल्ट उजाड़ दी है। अब यहाँ जितने पेड़ काटे गए हैं उससे कई गुना लगने चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज NCR।